हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुष्मांडा एकेडमी में। और आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का जो पार्ट है आपका हरियाणा सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हमारी बात एनिमल हस्बेंड्री से जुड़ी हुई है। तो चलिए, पहला सवाल है, उस मुख्य अवयव का नाम बताइए जो दूध में तो पाया जाता है परंतु रक्त में नहीं। ठीक है, तो ये पहला सवाल है। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो या आप इन्हें लर्न भी कर सकते हो। तो पहला का जवाब है आपका कैसीन। कौन से दूध का आपेक्षिक घनत्व सामान्यतः अधिक होता है? बड़ा अच्छा सवाल है, वेरी मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध और मखनिया दूध, तो किसका आपेक्षिक घनत्व सबसे सामान्य अधिक होता है? तो आपका है भैंस का दूध। लैक्टोमीटर में चिन्ह अंकित रहते हैं। देखो बहुत अच्छा सवाल है, आना चाहिए आपके एग्जाम में। बताइए, तो लैक्टोमीटर में होते हैं आपके, ये इसका डी जवाब होता है, 0.4 डिग्री। लैक्टोथर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है, क्या मापा जाता है लैक्टोथर्मामीटर के द्वारा? तापमान और आपेक्षिक घनत्व या ए और बी? तो इसका सी जवाब आएगा, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्याने के तुरंत बाद आयन से निकलने वाले शराब को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो वो होता है आपका तीस, ठीक है ना। तो ये बयाना जो समझते हैं ना, बिहाना। तो उसके बाद नेक्स्ट है आपका, गाय के दूध में औसत ठोस पदार्थ की प्रतिशत मात्रा होती है? ठोस पदार्थ की प्रतिशत मात्रा होती है 9%, 13%, 16.5% और उसके अलावा है 19%। तो ये है आपका 9%। लैक्टोमीटर के द्वारा दूध का आपेक्षिक घनत्व लेना चाहिए, ताजे दूध का, घंटे बाद का, 2 से 3 घंटे बाद, 4 से 5 घंटे बाद? तो इसका जवाब आएगा आपका 2 से 3 घंटे बाद। बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में आ सकता है। गाय के शुद्ध दूध का आपेक्षिक घनत्व लेना चाहिए, इसका डी जवाब है, 1.035 से 1037। और 4.12 आपेक्षिक घनत्व निम्न में से किसका है? वसा, जल, खनिज लवणों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध का आपेक्षिक घनत्व निकालते समय 70 डिग्री वाले जल ऊष्मक में ट्यूबर में रखी जाती है 5 मिनट के लिए, 10 के, 3 के या 20 के? ये 5 मिनट के लिए। ताजे दूध की अम्लीयता का औसत मान कितने प्रतिशत होता है? तो चार ऑप्शन है, बताइए, 0.12, 0.65, 1 और 0.1। तो इसका है आपका ए, 0.12 से 0.16। गाय के ताजे दूध का पीएच औसत मान कितना होता है? गाय के ताजे दूध का पीएच औसत मान आपका 6.6 से 6.67। ठीक है, तो एक बार फिर से बता देता हूँ, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए हम एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े हुए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। पूर्ण चिकनाई युक्त दूध चूर्ण में कौन सा अवयव सबसे अधिक मात्रा में होता है? तो ये आपका है खनिज लवण। गाय के दूध में खनिज लवण की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 0.7%, लर्न कर लीजिएगा, ऐसे सवाल मिलेंगे आपको। दूध मापी का प्रयोग निम्न में से किसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है? दूध मापी, तो इसका है आपका पानी की मिलावट। निम्न में से कौन दुग्ध वसा नहीं है? तो वह है आपकी कैसीन। और गाय के दूध में एल्ब्यूमिन का प्रतिशत मात्रा, बहुत अच्छा सवाल है, आना चाहिए एल्ब्यूमिन, तो इसका है आपका 0.13%। किस दूध में दुग्धतम प्रतिशत की मात्रा सबसे अधिक होती है? भैंस के, बकरी के, गाय के? तो भैंस के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खीस गर्म करने पर किस पदार्थ के अधिक मात्रा में होने के कारण जम जाता है? तो वो होता है आपका कैसीन। शुद्ध पानी का हिमांक, शुद्ध पानी का हिमांक होता है आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। दूध में SNF% बढ़ने से अम्लता बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है? तो ये आपकी बढ़ती है। और खीस में अम्लता, खीस में अम्लता होती है, अधिक होती है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जाम में आ चुका है। विकसित अम्लता में लैक्टोज किस में परिवर्तित होता है? तो लैक्टिक एसिड में।
दूध शर्करा की मात्रा सबसे कम होती है, दूध शर्करा की मात्रा सबसे कम होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका, गाय का और बकरी का, भेड़ का, स्त्री का। तो है आपका गाय का। घोड़ी के दूध में कुल ठोस पदार्थ पाया जाता है, ठीक है, तो इसका है आपका 10.96%। दूध का गाढ़ापन होता है। ऑप्शन देख लेते हैं इसमें, तो पहला ही ऑप्शन आपका 1.5 से 2.0 सेंटीपायर। खीस का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो खीस का आपेक्षिक घनत्व है इसका आपका सेकंड 1.060 से 1.080। दूध का अपवर्तनांक कितना होता है? तो ये होता है आपका 1.34 से 1.348। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम बात कर रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री वाले सेक्शन में, हरियाणा सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए। बकरी के दूध में लैक्टोज पाई जाती है कितने परसेंट? बहुत अच्छा सवाल। तो उसके ऑप्शंस देख लेते हैं, 4.47%। ताजे निकले हुए दूध का पीएच, ताजे निकले हुए दूध का पीएच आपका 6.6 होता है। दूध का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 100.15 डिग्री सेंटीग्रेड। सी जवाब है, बहुत नजदीकी आंसर था इसका। पनीर जल का रंग नीला दिखाई देता है, पनीर जल का रंग नीला दिखाई देता है, तो राइबोफ्लेविन के कारण। दूध दुहने के बाद यदि कुछ समय के लिए रख दिया जाए तो दूध का आपेक्षिक घनत्व समान रहता है, बढ़ता है, घट जाता है, कम हो जाता है? तो बढ़ जाता है। बड़ा अच्छा सवाल है। निम्न में से किस का आपेक्षिक घनत्व सबसे कम है? चार ऑप्शन है आपके, दूध, पानी, तेल और स्पिरिट का। तो ये आपका तेल है, सी ऑप्शन। दूध की अपेक्षा खीस की विद्युत संचालकता, देखो बड़ा अच्छा सवाल, तो कम होती है, अधिक होती है, स्थिर होती है, या कोई असर नहीं पड़ता, तो अधिक होती है। दूध के घनत्व को ज्ञात करने वाली मशीन 1100 RPM पर चलाई जाती है 4 मिनट के लिए। 1.032 आपेक्षिक घनत्व निम्न में से किसका दूध होता है? इसके दूध का जो है आपेक्षिक घनत्व जो है आपका ये इतना होता है। चार ऑप्शन है आपके सामने, गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है। तो ये होता है आपका, इसका जवाब आएगा बी जवाब, भैंस के दूध में। गाय के शुद्ध दूध का हिमांक कितना है? गाय के शुद्ध दूध का हिमांक आपका ए ऑप्शन है, लर्न कर लीजिए, 0.530 डिग्री सेंटीग्रेड और 100.15 डिग्री सेंटीग्रेड का क्वथनांक है गाय के दूध का, पानी का, सरसों के तेल का और घी का। तो ये होता है आपका गाय का। माप बढ़ने पड़ते समय ब्यूट्रोमीटर 3 मिनट के लिए रखे जाने वाली पानी का तापमान रखा जाता है। तो इसका है आपका, ऑप्शन देख लेता हूँ एक बार, हाँ इसका सी जवाब आएगा, 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और ब्यूट्रोमीटर में अधिकार्मक प्रयोग किया जाता है इसका, आपका सल्फ्यूरिक एसिड और इथाइल एल्कोहल। तो हो गया आपका ये, ब्यूट्रोमीटर में दूध का आयतन लिया जाता है, ब्यूट्रोमीटर में दूध का आयतन लिया जाता है 10 CC का। बकरी के दूध में राख की औसत मात्रा होती है, बकरी के दूध में राख की औसत मात्रा 0.8%। दुग्ध शर्करा होती है, तो इसका है आपका डाइसैकेराइड होती है, ये ध्यान रखना, बड़ा अच्छा सवाल है, आ सकता है। दूध में वसा उपस्थित होती है इमल्शन विलयन के रूप में। दूध में क्यूप्रिक आयन आने से दूध का पीएच मान, तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके, तो इसका आएगा आपका बढ़ जाता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, और ना घटता है ना बढ़ता है। तो इसका बी जवाब है। शरीर की अनुरूपता के आधार पर पशुओं का चयन उस समय उपयोगी होता है जब ए दुग्ध उत्पादन अभिलेख उपलब्ध हो, बहुत अच्छे कच्चे दूध में जीवाणुओं की संख्या होनी चाहिए 2 लाख से कम, 2 से 10 लाख, 10 से 15 और 50 लाख। इसका आएगा आपका 2 लाख से कम पर मिलीलीटर। तो एक बार फिर बता देता हूँ, हरियाणा SI एंड कॉन्स्टेबल एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी डिटेल आप हमारे हेल्पलाइन पर फोन कर कर या हमारी वेबसाइट है kushmanda.com, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।